राधा स्वामी जी, आज मैं आपके सामने एक नई और कहानी पेश करने के लिए जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। दिल्ली में किसी मुगल सबादशाह की एक लड़की थी जो सर्वगुण संपन्न थी, पर आयु में थी सबसे छोटी। एक दिन उसने अपने धाया के सलाम करने पर उसे कुछ पुरस्कार दिया। इस पर धाया ने आशीष दिया, नन्ही शहजादी चिरंजीवी रहो। शहजादी, अगर मेरी आयु बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? धाया ने उत्तर दिया, तेरा विवाह होगा, दूल्हा आएगा और तू दुल्हन बनेगी। शहजादी ने कहा, फिर क्या होगा? धाया ने बोला, तेरा परिवार बढ़ जाएगा, मान बढ़ाई होगी और दुनिया में तेरा बोलबाला होगा। शहजादी ने फिर कहा कि इसके बाद क्या होगा? धाया बोली, तू बूढ़ी हो जाएगी, तेरे बच्चों के बच्चे होंगे, तू नानी व दादी कहलाएगी। शहजादी, अच्छा इसके बाद क्या होगा? अंत में धाया झुंझला उठी, कोई जवाब नहीं बन पाया। रोष में आकर कहने लगी, फिर क्या होगा? तू मर जाएगी, कब्र में गाड़ दी जाएगी, कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म को गोश्त को खा जाएंगे और फिर तेरा कहीं नाम निशान तक नहीं रहेगा। यही सबकी जिंदगी का अंतिम परिणाम होता है, बस वही दशा तेरी भी होगी। शहजादी मेधावी, समझदार तो थी ही। धाया से इतना सुनते ही ठहाका मारकर हंसते हुए कहने लगी, बस इसी के लिए तू मुझे दुआ देती है कि नन्ही शहजादी चिरंजीवी रहो। ज्ञानवान व समझदार होने के नाते धाया की बात है शहजादी के अंतस्तल में उतर गई। उसने सोचा, जब यही दशा अंत में काया की होनी है तो फिर क्यों व्यर्थ में अपने इस दुर्लभ शरीर को विषय विकारों में खोया जाए? क्यों न मालिक का भजन सुमिरन करके इस क्षणिक जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जाए? ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह एक सूफी फकीर के पास जाकर उसकी शिष्या बन गई और उनकी कृपा से अपने नाम के सुमिरन में लगकर अपने जीवन के परम सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर गई। राधा स्वामी जी।